हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज। ठीक है, तो इन द लास्ट सेक्शन हमने क्या पढ़ा था कि हमने समझा था टिश्यूज क्या हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि टिश्यूज सिंपल और कंपाउंड टिश्यूज क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज में क्या डिफरेंस है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट में जो टिश्यूज हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट टिश्यूज। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो है, एक फ्लो चार्ट हम बना के देख लेते हैं, सो दैट बेसिक जो है वो आपको समझ में आएगा कि बेसिक हमें कहाँ से क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो यदि हम प्लांट टिश्यू देखें तो प्लांट टिश्यू होते हैं दो प्रकार के, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। ठीक है, ऑफकोर्स सिंपल टिश्यू कौन से होंगे, सिंपल टिश्यू विच आर मेडअप ऑफ विद सिमिलर सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फॉर्म एंड ओरिजन। ठीक है, तो जो सिमिलर सेल्स से बने होंगे दीज आर कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू। वहीं जो डिफरेंट सेल्स से बने होंगे बट दे परफॉर्म अ वन स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड एज कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यूज को उनकी पावर ऑफ डिविजन के अकॉर्डिंग दो जो है डिवीजन में बांटा गया है। पावर ऑफ डिवीजन मतलब वे सेल्स जो डिवाइड हो सकती हैं, दोज आर कॉल्ड एज मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, ऐसे टिश्यू जिसमें कि जो सेल्स हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन होती है। ठीक है, दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू, इनमें जो सेल्स होती हैं उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होती। ठीक है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ their position तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, वह मेरिस्टेम टिश्यू जो कि एपेक्स पे होता है, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। ठीक है, जो शूट होगा, जो तना होगा, जो स्टेम होगा, उसके एपेक्स में सबसे ऊपर भाग पर। ठीक है, जो यह जो मेरिस्टेम है वह कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसी प्रकार रूट्स में, ठीक है, रूट्स में जो एकदम टर्मिनल एंड पर होगा वो कहलाएगा एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम्स के इंटरनोड्स के बीच में पाया जाता है, तो उसे कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो लैटरल साइड में पाया जाता है। ठीक है, वहीं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम वह होता है जो जिसका कि ओरिजिन जो है वह जो है एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल से हुआ होता है, वह कहलाता है प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू। ठीक है, दैट मीन्स जो एम्ब्रियो है उसमें जो सेल्स मेरिस्टेम टिश्यू फॉर्म करती हैं उससे जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू फॉर्म होता है वह प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाता है। एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, वहीं सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है वह टिश्यू दूसरे सेल्स से जो है, जब दूसरे परमानेंट टिश्यू में जब सेल डिवीजन की पावर आ जाती है, वो रीगेन कर लेते हैं सेल डिवीजन की पावर। ठीक है, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मतलब कि वो प्राइमरीली वो अलग टिश्यू था लेकिन बाद में वो कन्वर्ट हो गया मेरिस्टमेटिक टिश्यू में, तो उसे कहा गया सेकेंडरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम इसी प्रकार का मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन
प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी ओरिजिनेट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक सेल, जबकि सेकेंडरी ओरिजिनेट फ्रॉम द डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ अदर परमानेंट टिश्यू. डी डिफ्रेंशिएशन मतलब कि उसमें इट रीगेन द पावर ऑफ सेल डिविजन. इसको, इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू समझ लिया हमने, परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, विच हैव नो सेल डिविजन पावर इन इट. ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है वह तीन प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में बाद में. ठीक है, उसके बाद कंपाउंड टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम. इन्हें वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहा जाता है. ठीक है, तो वेस्क्यूलर टिश्यू भी इन्हें कहा जाता है. यह हमने पढ़ा बेसिक जो डिवीजन है वह. ठीक है, उसके अलावा क्या फंक्शन है, उस आधार पर तीन प्रकार के टिश्यूज प्लांट में होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. यह जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक पर बेसिस जो है यह उसका डिवीजन है. यही ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, डर्मल टिश्यू. डर्मल जो कि स्किन फॉर्म करते हैं टिश्यू प्लांट की, उन्हें डर्मल टिश्यू कहते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इसी में आते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं दोज आर फॉर्म्ड ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू. ठीक है, यहाँ पर जो पेरेन्काइमा टिश्यू लिखे हैं हमने. ठीक है, दूसरे होते हैं ट्रांसपोर्टिव और वेस्क्यूलर इसे कहते हैं, जिनका कि ट्रांसपोर्टिव फंक्शन होता है. ठीक है, और डर्मल टिश्यू का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को. ठीक है, वेस्क्यूलर. ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम. वेस्क्यूलर मतलब जिनका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, जिनका काम है किसी भी वाटर, मिनरल या फूड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम है, सर्कुलेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वह टिश्यू होते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, उसके बाद ग्राउंड टिश्यू. ग्राउंड टिश्यू ठीक है, ग्राउंड टिश्यू जो कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू का क्या काम है, ट्रांसपोर्टिव फंक्शन होता है इसका. ठीक है, उसके बाद जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वह फॉर्म होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू आर फॉर्म बाय द क्लोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ग्राउंड टिश्यू क्या करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, किसी भी जो प्लांट है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करने का काम होता है ग्राउंड टिश्यू का. ठीक है, तो यह किस पे बेसिस हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. ठीक है, तो याद रखिए दीज आर द डिवीजन ऑफ प्लांट टिश्यू. डर्मल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यूज से बनते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज जो है उसमें एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस आती है, जो कि पेरेन्काइमेटस सेल्स से फॉर्म होती है. ठीक है, पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होती है, पेरेन्काइमा टिश्यूज जो होता है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू इन टू द प्लांट. ठीक, तो अब वन बाय वन हम एक बेसिक हमें स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि प्लांट टिश्यू का जो डिवीजन है वो किस प्रकार से किया गया है. अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे मेरिस्मेटिक, फिर परमानेंट, फिर मेरिस्मेटिक के टाइप, परमानेंट के टाइप एंड देन कंपाउंड टिश्यू. ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं, फॉर्म बाय सेल्स विच आर सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिजन एंड दे डू द स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, दीज आर सिंपल टिश्यू. सिंपल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ
सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के आधार पर कितने पार्ट में हमने देखा कि तीन प्रकार के हैं, सॉरी दो प्रकार के हैं, मेरिस्टमेटिक और मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज की क्या विशेषता है, इनकी जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, नो और लेस वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट टिश्यूज में, हम पढ़ते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज पाई जाती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं, ठीक है, थीके? लेकिन जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू होता है उसमें वैक्यूल्स न के बराबर होती है, नहीं भी हो सकती है, बिल्कुल एब्सेंट हो सकती है, या होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म है वो काफी डेंस होता है, सेल की जो वॉल है बहुत थिन वॉल्ड होती है, सेल्स जो हैं दे आर कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, दैट मीन्स बहुत पास पास होती है, ठीक है, और इस वजह से इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वह नहीं होता, नो इंटरसेल्यूलर, ठीक है, इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब कि यदि इस प्रकार की सेल्स हैं तो आप देख रहे हैं कि बहुत पास पास सेल्स हैं और इसलिए इनके बीच में, इनके बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस प्रकार से जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है वह होता है, ठीक है। देन दे हैव पावर ऑफ सेल डिवीजन एंड सो दे हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ठीक है, जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसमें मेरिस्टमेटिक टिश्यू हेल्प करते हैं, बिकॉज उनकी जो सेल है वह डिवीजन की पावर जो है कैरी करती है, ठीक है। तो सेल वॉल्स जो है उनकी वॉल जो है वो थिन होती है, सेल वॉल आर थिन, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेस वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें किसी प्रकार का पैक्टिन या लिग्निन सब्सटेंस नहीं रहता, ठीक है, और वैक्यूल्स जो है नहीं होती, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इसलिए इंटरसेल्युलर स्पेसेस इनमें नहीं होते, पावर ऑफ डिवीजन इनमें रहती है, इसलिए यह जो सेल्स हैं ग्रोथ में, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ठीक है, ठीक है, और ये थिन वॉल्ड होती हैं, दे ऑल आर लिविंग सेल्स, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि प्लांट में बहुत सी सेल्स जो हैं वो डेड भी होती हैं, लेकिन जो मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं उनकी जो सेल्स हैं वह लिविंग होती हैं। वहीं जब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि दे कैन बी डेड सेल्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसकी जो सेल, इसके बाद शेप, इनका जो शेप है वह आइसोडायमेट्रिक होता है, आइसोडायमेट्रिक मतलब कि इनका जो डायमीटर है वो किसी भी एंगल से यदि लिया जाए तो सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसोडायमेट्रिक शेप, ठीक है। उसके अलावा ये ओवल हो सकती हैं, राउंड हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती हैं, तो इनका एक को पर्टिकुलर शेप नहीं होता, राउंड, ओवल या पॉलीगोनल ये हो सकती हैं, ठीक है। एंड दे ऑकर इन पर्टिक्यूलर लोकेशंस इन द प्लांट, ठीक है, जो प्लांट है उसकी से पर्टिकुलर लोकेशन पर ही यह होती है, जबकि जब हम दूसरे टिश्यू देखेंगे परमानेंट टिश्यू तो वह एबर्डेंटली होता है, प्लांट के हर पार्ट में होता है, लेकिन जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पर्टिकुलर लोकेशन में होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ये तीन टाइप्स का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कहां पर स्थित है प्लांट में उस आधार पर तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम जो कि शूट एपेक्स पर और रूट एपेक्स पर होता है, ठीक है,
शूट अपेक्स और रूट अपेक्स, ठीक है, दैट मीन्स यदि कोई प्लांट है, ठीक है, उसकी यहां रूट है, तो इस प्रकार से जो है यह इन भाग में रहेगा और जो एपेक्स होगा, ठीक है, यदि हम ऑरेंज कलर से बताना चाहें मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो वह इस पार्ट में होगा, ठीक है, वह इस पार्ट में होगा अपेक्स में, ठीक है, और वहीं जो इंटरनोड्स होते हैं उनके बीच में होता है, ठीक है, इंटरकैलरी, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम यहां पर एक प्लांट में देखें तो आप यह देख रहे हैं ये क्या है, रूट्स, और रूट्स के टर्मिनल एंड पर ये यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू है, और यह यहां पर क्यों है, क्योंकि ग्रोथ है, ठीक है, रूट्स को नीचे की तरफ ग्रो करना है और शूट्स को ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ प्लांट। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ जो है उसमें हेल्प करता है, लंबाई में, प्लांट की लंबाई में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ है यह बिलो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड हो सकती है एंड यह फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी रूट्स में और फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी शूट्स में, ठीक है। तो इस प्रकार यह मेरिस्टमेटिक टिश्यू यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यदि इसे थोड़ा सा और बनाया जाए लार्ज करके तो किस प्रकार का हमें दिखेगा, ठीक है। यह हम देख रहे हैं शूट एपेक्स, ठीक है, शूट एपेक्स में इस प्रकार से यह मेरिस्मेटिक टिश्यू रहता है, ठीक है। शूट एपेक्स में जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वह लीफ प्राइमोर्डिया से कवर्ड रहता है। लीफ प्राइमोर्डिया मतलब वह स्ट्रक्चर जिससे कि लीफ फॉर्म होगी आगे जाकर, वह स्मॉल स्ट्रक्चर कहलाता है लीफ प्राइमोर्डिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हमने क्या बनाया है, शूट एपेक्स, एपिकल मेरिस्टेम यह है और यह है लीफ प्राइमोर्डिया और यह है एपिकल मेरिस्टेम इन शूट एपेक्स, ठीक है। तो जो शूट्स होते हैं उनके एपेक्स में इट इज कवर्ड विथ द लीफ प्राइमोर्डिया, बट ठीक है, लेकिन जो शूट्स होंगे उसमें इस प्रकार का कोई कवरिंग नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, और यह रूट कैप है, रूट जो है वह रूट कैप से कवर्ड होती है। यहां पर यह है रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो इस प्रकार यह मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वह एपिकल मेरिस्टेम है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में हेल्प करता है, शूट एपेक्स में, रूट एपेक्स में रहता है। जब ये शूट एपेक्स में रहता है तो इट इज कवर्ड विद द लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है। इसके अलावा एक और डायग्राम जो बुक्स में दिया है वह यदि हम देखें बनाकर तो वह किस प्रकार का है, ठीक है। एक पोजीशन के आधार पर हम समझना चाहें तो यह जो है यह क्या है, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, यह जो मिडिल में है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, और जो
लेटरल साइड होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो यह है एपिकल मेरिस्टेम जो कि हम पढ़ चुके हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि अब हम पढ़ेंगे, और यह है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या देखा, एपिकल मेरिस्टेम, अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम देखा हमने, अब हम देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो मोनोकॉट प्लांट्स में होता है, जैसे कि ग्रासेस। ठीक है, और यह जो मेरिस्टेम है यह होता है बिटवीन द इंटरनोड। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लीफ शीथ, जो लीव्स होती हैं उनकी शीथ के बेसिस पर यह मेरिस्टेम होता है। ठीक है, यहां देख सकते हैं यह इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा स्पेशली इन मोनोकॉट। तो ग्रासेस में जो है यह, जैसे मोनोकॉट जो है जैसे कि ग्रास, उनमें यह होता है। ठीक है, और इस प्रकार से इसे कहते हैं इंटरकैलरी, क्योंकि बिटवीन द इंटरनोड जो है यह पाया जाता है। ठीक है, एंड यह जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, यह भी प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है डाइकॉट्स प्लांट में, सॉरी मोनोकॉट प्लांट में। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है यह फॉर्म करता है। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम मोनोकॉट्स में होता है बिटवीन द इंटरनोड्स, बिलो द लीफ शीथ और एट द बेसिस ऑफ लीफ शीथ। ठीक है, इस प्रकार से यह कहलाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो दीज बोथ आर प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं हेल्प इन प्राइमरी ग्रोथ। ठीक, उसके बाद जो थर्ड वन है वह है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम जो होता है सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम हमें ऑलरेडी पता है, इट हेल्प्स इन लैटरल ग्रोथ ऑफ स्टेम। लैटरल ग्रोथ मतलब जो गर्थ है, जो डायमीटर है प्लांट का। ठीक है, यदि हम देखेंगे एक स्टेम, ठीक है, स्टेम का यदि सेक्शन देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, तो यह जो लैटरल ग्रोथ हो रही है स्टेम की प्लांट के, ठीक है, उसे क्या कहा हमने, गर्थ। तो यह जो गर्थ है वह सिर्फ और सिर्फ लैटरल मेरिस्टेम की वजह से फॉर्म होती है। यह लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है, कि यदि कोई परमानेंट टिश्यू डी डिफ्रेंशिएशन के कारण फिर से सेल डिवीजन की पावर रिगेन करता है तो इट विल बिकम अ मेरिस्टेम। ठीक है, तो यह जो मेरिस्टेम है यह एक सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेटरल ग्रोथ में हेल्प करता है, इंक्रीजेस द गर्थ ऑफ स्टेम, जो स्टेम की गर्थ है उसे यह बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो है लेटरल मेरिस्टेम पाया जाता है। ठीक है, यूजुअली यह जो है एंजियोस्पर्म्स में यह पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हमने देखा कि कैसे मेरिस्टेम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, जो ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने देखा था, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वह ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एम्ब्रियोनिक सेल। ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होते हैं वह ओरिजिनेट होते हैं या फॉर्म होते हैं बाय अदर टिश्यू ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब differentiation, that means by regaining the power of cell division. ठीक है, so de-differentiation is regaining
पावर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो यह जो है मेरिस्टमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा, जो कि क्या है, एक सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू को मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यूज में डिवाइड किया है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू वह टिश्यू होता है जो कि लिविंग होता है। सेल डिवीजन जो है, इसकी पावर इन सेल्स में रहती है। यह सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, नो वैक्यूल्स। ठीक है, तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं इसके, यह हैं। ठीक है, कि एक तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत जो है नहीं होते हैं, और वैक्यूल्स या तो बहुत कम होती हैं, एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू थिंग्स, एंड द थर्ड थिंग इज पावर ऑफ सेल डिविजन। तो ये तीन फीचर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। नाउ वी विल सी द परमानेंट टिश्यू, वह क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, अब हम देखते हैं।